अस्सलाम वालेकुम, मैं शामुल हक और आज हम आए हैं ओल्ड बारा रोड और यहाँ पे हम आए हैं पिक ए चिकन और यहाँ आज हमने ट्राई करना है इनका बहुत ही टेस्टी यूनिक और पेशावर में बहुत ही रेयर है ये स्क्यू चिकन है। सर आपका क्या नाम है? नासिर मोहम्मद भाई का रेस्टोरेंट है पिक ए चिकन और ये ऑलरेडी कुक्ड है। अच्छा, ये रेडी टू सर्व? रेडी टू सर्व है। और ये इलेक्ट्रिक स्क्यू या रोटेट होता है? इलेक्ट्रिक है। अच्छा, बटन होता है, घूमते रहते हैं आग के। और ये फ्लेम्स है? ये ओपन फ्लेम पे, अभी तो ये तैयार है तो फ्लेम की जरूरत नहीं है। अच्छा, और कुक हो जाएंगे। ठीक, तो ये ओपन फ्लेम पे पकते, इसको रोस्टेड चिकन कहते हैं। रोस्टेड है। अच्छा, जो मेरा मेथड है, मैं जरा मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं फूड साइंस इसको यूज कर रहा हूँ लो एंड स्लो कुकिंग प्रोसेस पे। अच्छा, मतलब तो आप कहने के आंच होती है और लॉन्गर पीरियड पे चिकन उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है तो वो एकदम जूसी, वो उसकी जो ठीक जूसीनेस होती है वो एवेपोरेट नहीं होती। अच्छा, तो ये एकदम अपने जूसेस के, मतलब वो चिकन जो है वो ड्राई नहीं होता जिस तरह सीजी। अच्छा, बिल्कुल ये मछली की तरह नरम भी होता है। नरम होता है, ठीक है। इसका गोश्त बिल्कुल नरम होता है, मतलब ये सीजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल एक नया टेस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा, आप क्या कह रहे थे कि ये नॉन स्पाइसी होता है? ये नॉन स्पाइसी यानी ओवर स्पाइसी नहीं होता। अच्छा, ये डिफरेंट सॉल्टी और स्पाइसी मिक्स है। ये नमकीन और रोश टाइप का फ्लेवर होते हैं। अच्छा, जो आप खा चुके होंगे वो फ्लेवर देगा आपको। और जो इसकी स्किन है इसके ऊपर स्पाइसी है, अंदर से ये चिकन कम्प्लीटली नेचुरल फ्लेवर में। और इसमें आप कोई चीज इंजेक्ट करते हो, मतलब जो स्पाइसेस इसके ऊपर से लगते हैं वो इसके चेस्ट में हम इंजेक्ट भी करते हैं। इंजेक्ट करते हैं? इंजेक्शन। अच्छा, ताकि इसका जो चेस्ट, क्योंकि अक्सर शिकायत रहती है कि चेस्ट ड्राई या लेस फ्लेवरफुल होता है, तो उसको फ्लेवर देने के लिए, इनहेंस करने के लिए तो हम इंजेक्शन। अच्छा, आप हमारे मतलब ऑन डिमांड इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं? अच्छा, आप ऑन डिमांड हमारे लिए बस स्पाइसी भी कर दे थोड़ा सा। अच्छा, तो हाफ फुल चिकन सर्व करूँगा, उसमें हाफ के ऊपर मैं स्पाइस रब एक्स्ट्रा डालूंगा और एक आपको मैं जो नेचुरल फ्लेवर मैं बनाता हूँ आप वो ट्राई। इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के बाद हम व्यूअर्स के साथ रिव्यू भी शेयर करेंगे। जी सर, मैं आपके लिए सर्व कर लूँ। हम टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह तो आपको व्यूअर्स को भी ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो जी ये है जी चिकन जो इनका नेचुरल फार्मूले पे इन्होंने रेडी किए हुए हैं, जो इनके नेचुरल बिल्कुल सॉफ्ट है, देखें बड़ा ही नरम है। और ये हमने थोड़ा सा इसको स्पाइसी कर दिया है। तो स्टार्ट हम लेते हैं नॉन स्पाइसी से जो इनका, और ये इनके साथ जी रोटियाँ इस टाइम तो गर्म नहीं मिलेंगी लेकिन है, ठीक है, सॉफ्ट है। और ये स्पेशल सॉस है इनका, टोमेटो सॉस, होममेड टोमेटो सॉस है नासिर भाई? जी जी सर। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इनके नेचुरल फ्लेवर से जो इनका नेचुरल है यहाँ पे, बिल्कुल ये देखें टेंडरनेस देखें। इसकी कुकिंग स्टाइल की वजह से अंदर से रेडिश है। अच्छा, इसे रोस्ट का गोश्त होता है रेडिश। बिल्कुल ये भी रेडिश ही है। ठीक, अक्सर लोग कंफ्यूज है कि रॉ तो नहीं है, रॉ नहीं है। नहीं, ये टोमेटो सॉस में इसको डिप किए हुए हैं, देखें बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। बेस्ट है नासिर भाई, सॉस भी बड़ा ज़बरदस्त रेडी हुआ, आपने खुद किए हुए हैं? सॉस बड़ा बेस्ट है। अच्छा, ये तो नॉन स्पाइसी, तो ये भी वैसे नॉन स्पाइसी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए हमने एक्स्ट्रा रब इसके, अच्छा, के लिए ताकि आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद। असल टेस्ट इसके स्किन में भी है। जी, मेनली इसका टेस्ट होता है स्किन में। ये देखें स्किन के साथ इसका मज़ा। और इसमें एक स्पेशलिटी ये है, अगर कोई बंदा कोलेस्ट्रॉल पे, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला हो या ब्लड प्रेशर वाला मरीज हो तो वो स्किन हटा के कम्प्लीटली, बिल्कुल उनके, बिल्कुल विदाउट एनी। यहाँ पे आपको नासिर भाई क्योंकि फार्मासिस्ट भी हैं तो आपको मेडिकल ये मशवरे भी देंगे। वैसे स्किन की बात जो आपने की, ब्रेस्ट की स्किन हटा के सिर्फ ब्रेस्ट पीसेस अगर ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज डाइट के लिए वो ले तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा स्पाइसी,
ज़बरदस्त यार। वैसे मैं स्पाइसी लवर हूँ तो मुझे स्पाइसी ज़्यादा बेस्ट लगा। और जो स्पाइसेस आपने ऊपर डाले हैं ये स्पेशल स्पाइसेस हैं कोई? स्पेशल इसी के लिए डिज़ाइन, मुझे तो मुझे तो अगर आपने ट्राई करना है तो आप नासिर भाई से कहें कि आपको स्पाइसी कर दें, क्योंकि मुझे लगा है ज़्यादा बेस्ट लगा है स्पाइसेस के साथ। और जो नॉन स्पाइसी लवर है तो उनके लिए ये ठीक है, बेस्ट है, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन मैं स्पाइसी लवर हूँ। तो अच्छा खाएँ, थोड़ा खाएँ, कुरान में अल्लाह पाक का इरशाद है खाओ पियो लेकिन हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करो। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम। नासर भाई राधे ही था सुन मुंग से रखिए नहीं राधे ही है।